विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, हिंदुस्तान को दो सीजन में बेहतरीन डांसर्स देने के बाद अब सोनी टीवी लेके आया है इंडियाज बेस्ट डांसर का सीजन 3, और इसी की झलक जो है मैं आपको दिखाना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नए टैलेंट का। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू नोरबू, थैंक यू सुष्मिता, थैंक यू शिवम, बहुत बहुत कमाल का परफॉर्मेंस है। और इनके खूबसूरत परफॉर्मेंस के बाद मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा उन जौहरियों को जिन्होंने इन हीरो को तलाशा है, यानी कि इंडियाज बेस्ट डांसर सीजन 3 के जजेस। बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रिय जजेस का। थैंक यू। सोनाली जी, आप पहली बार आई हमारे शो पे जी, और टेरेंस सर और गीता मैम को तो पास बना हुआ है हमारा मंथली का, तो ये आते रहते हैं। हम फ्री हैं। सोनाली जी, आप पहली बार आएं, क्या लेंगी, चाय कॉफी या अर्चना जी की कुर्सी? कितनी प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू सो मच। बोलना तो चाहती थी कि अर्चना जी की कुर्सी, ताकि रोज एंटरटेन हूँ, लेकिन नहीं बोल सकती। तुम लोग अपनी कुर्सियां संभालो यार, मेरी कुर्सी कैसे लेके पड़े हो। वैसे आपको देखे ना, आज मुझे सरफरोश का आपका सबसे लंबा डायलॉग याद आ गया। सॉरी बोला मैं भूल गया। मुझे डोंट माइंड, आप ऐसा डायलॉग भूल कैसे सकते हो? अरे मैं सबसे लंबा डायलॉग, डोंट माइंड मुझे। तो इफ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आप इतनी प्यारी हैं, इतना खिलखिला के हंसती हैं, हम 10 साल से लोगों को हंसाने का काम कर रहे हैं, क्यों इतना लेट आई आप हमारे शो पे? आपने बुलाया नहीं मुझे। अरे हमें पता नहीं था आप बुलाने पे आ जाती, नहीं तो मैं कब से बुला लूं। आप तीनों जजेस, नहीं तीनों, आप क्यों बोल रहे हो तीनों जजेस, एक ही के बारे में बात कीजिए, हम जा रहे हैं। आई नो, मतलब जब से हम आए हैं तो फोकस हमको पता चल जाता है आपका। गीता बेबी 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 नहीं, आज सीरियसली आज गीता कपूर ना कोरियोग्राफर के रूप से अलग, ऐसे लग रहा है किसी प्राइवेट बैंक की सीईओ लग गई है आज। देखो आप, जब से आपके अकाउंट का पता चला है मैंने कहा इसी बैंक को संभाला जाए, ये अकाउंट अच्छा है। और साथियों, आज शूटिंग के बाद कोई घर नहीं जाएगा, हम सब मिलके टेरेंस सर की पेंट पे चेस खेलेंगे। मुझे मंजूर है अगर रानी अच्छी हो। आइए दोस्तों, अब वापिस अपने दुकान पे आते हैं। ये जो नया टैलेंट आपने ढूंढ के निकाला है, कमाल का टैलेंट, कमाल का परफॉर्मेंस इन्होंने दिया है, क्या कहना चाहेंगे आप जजेस इनके बारे में? हमने जो कहना था वो कह दिया। अच्छा, आपको कैसा लगा? हमें तो बहुत कमाल का लगा, और मैं और अर्चना जी तो हमारा जिनसे डांस से दूर दूर का लेना देने कोई नहीं है। तो हमें तो मतलब, हम तो कमाल, मतलब हम तो अद्भुत इनका परफॉर्मेंस देख के सारी ऑडियंस एक्चुअली हैरान रह गई है। तो हमारे शो पे यही है करता धरता, अब हमारी अमीर जज, हमारी क्लासी जज, हमारी सर्वोत्तम सर्वप्रिय, बस इन्हीं से पूछ लीजिए, बिकॉज शी इज न्यू टू द पैनल। और ये दोनों गैंग अप होके मेरी टांग खींच रहे हैं। आई एम श्योर, सॉरी मेरी आज आवाज गई हुई है, मैं सिर्फ हंसने वाली हूँ आज, कुछ बोल नहीं सकती हूँ। अगेन आई फील थ्रेटन्ड। मैं सिर्फ हंसने वाली हूँ, ऑडिशन हो रहा है क्या यहाँ पर? अपनी कुर्सी की पड़ी रहती इनको, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। शिवम, ये आपके जो कुंडल हैं ये नेचुरल हैं कि उठ के सुबह डालने पड़ते हैं? नहीं सर, नेचुरल। आपने जो ऐसे किया ना सहरा वाला टाइप, बड़ा अच्छा लग रहा था। थैंक यू सर, वो थोड़ा खेलता हूँ बालों के साथ। तो शर्ट भी आपकी शुरू से ऐसी है, होली के बाद धोई नहीं क्या? पर बहुत प्यारा डांस किया आपने शिवम। थैंक यू सर, थैंक यू। नोरबू से मुखातिब होना चाहूंगा, नोरबू कहाँ से हैं आप? सर मैं बेसिकली दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से हूँ। ओके, बट रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आपने तो हाथ ऐसा करेंगे जैसे आप ही दार्जिलिंग, आप तो नासिक से आए हो। पर देखिए, टैलेंट जो है हिंदुस्तान में, टैलेंट इतना भरा पड़ा है, और यही इस शो की खासियत भी है कि देश के कोने कोने में से ऐसा टैलेंट ढूंढ के निकालते हैं। नोरबू, बड़ा कमाल का डांस किया आपने। थैंक यू सो मच। सुष्मिता, आप कहाँ से हैं? सर मैं कालिम्पोंग दार्जिलिंग से हूँ। ओके, दार्जिलिंग से। सर ये इन दोनों बेस्ट फ्रेंड्स भी हैं। हाँ, बेस्ट वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पर आप बहुत ही टैलेंटेड हैं तीनों, और हमें नहीं पता कौन विनर बनेगा, क्योंकि हमें तो तीनों ही लग रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और सोफे लगवा दीजिए, हम बैठे। सोनाली जी, आप आ जाइए ना, तो है ना वो नॉस्टैल्जिया हो रहा है, पुरानी चीजें याद आ रही हैं सब, जो
एड भी इनका आया था ना, वो मतलब इतना साबुन का एड देख के जो लोग दही से नहाते थे ना, उन्होंने भी साबुन से नहाना शुरू कर दिया। हाँ, साबुन घिस जाता था, लोग वो उसका रैपर संभाल के रखते थे क्योंकि इनकी फोटो लगी रहती थी ना। हमारे दास दादा, नहीं दास दादा, इन्होंने तो आपकी एड के बाद ही नहाना शुरू किया। मैं जादू है ऐसा है ना सोनाली जी का। हाँ। अच्छा गाना था है ना, टक्कर फिल्म में वो फोटोग्राफर बने थे पर कैमरा से ज्यादा आंखों से फोटो खींची उन्होंने आपकी। तो दास दादा की एक इच्छा थी सोनाली जी, अगर आपकी इजाजत हो तो ये वही टक्कर फिल्म वाले सुनील शेट्टी बनना चाहते हैं। दास दादा शर्त आपकी हम मान लेते हैं, लेकिन आपको कैमरा के साथ डांस करना है। आइए दास दादा आ जाओ, आपको मौका मिल रहा है। 10/10 फॉर दास दादा। अब दास दादी क्या कहेंगी ये वीडियो देखकर? इनके नंबर कटेंगे वहां जाके। और बड़ी बात ये है कि पता नहीं चला कौन सी फॉर्म थी डांस की, पर मजा आया। There was no step in this. Thanks. इस साल कर लो आप इस गाने में थे ही नहीं ना स्टेप्स। तो ये सोचो शूटिंग कैसे करती होंगी, दो महिलाएं साथ में बैठ गई हैं, इसीलिए बीच में वो टेरेंस को बिठाते हैं हमेशा, डायरेक्ट बातचीत ना हो पाए इनकी। नहीं, हम बात कर पाते हैं क्योंकि टेरेंस के बाल बन रहे होते हैं ना, तो हम बात कर लेते हैं। सीरियसली मेरे ये जो कॉफी फ्लेवर दाढ़ी रखी है आपने ना, बड़ा क्या बात कर रहे हैं सर। थैंक यू। नहीं, मैं ये मानता हूँ कि मैं सेट पे कॉल टाइम पे लेट आता हूँ क्योंकि उनको 3 घंटा लगता है तैयार होने में, मुझे आधा घंटा लगता है। ऑफकोर्स, तो जब वो सेट पे पहुँचती है बोलती तू किधर है, मैं घर पे होता हूँ। हमारे पहुँचने के बाद ये उठता है, रईस दादे उठते हैं, फिर ये निकलते हैं। तो आप अपने घर से ही आते हैं सुबह उठ के या? ये हमको भी जानता है। Good one. जिस दिन बाल नहीं बने होते हमको पता है कहाँ से आ रहा होता है। कुछ बातें पता ही ना जाए वो बेटर हो। पर ये मुझे आज गीता मैम, आप 3 घंटे लगाती है तैयार होने के लिए, आपको लगता है ना? मुझे तो लगता है आप 5 मिनट में तैयार होकर फटाफट आ जाती हूँ। हाँ, क्योंकि अब छुपाने से भी छुप नहीं रहा कुछ। तो दोस्तों आपको पता है पिछले सीजन में मलाइका अरोड़ा जी थी, खूबसूरती की जगह देखिए खूबसूरती ही आई। जैसे सिद्धू जी जब गए ना तो हम भी एक आदमी ढूंढ रहे थे। तो इफ यू ब्रेक दिस ग्लास टुडे, हमें सिद्धू जी के मुकाबले का कोई आदमी मिला ही नहीं। फिर एक ऐसी औरत मिली जो सिद्धू जी से भी हैवी निकली। तो और गीता मैम की तो क्या तारीफ करें, मतलब इनके बिना शो बन ही नहीं सकता, पता है? True. आप देख लो, आप सोनी कोई भी शो बनाता है, पहला सीजन खत्म हुआ दूसरा उसी समय शुरू हो जाता है। मतलब ये जिस कुर्सी पे बैठती ना उसकी फॉर्म उठ के वापस भी नहीं आती अभी। अब ये पूछिए कि मेरा गुरु कौन? कौन मेरा गुरु? वो रहा जो कुर्सी पकड़ लो छोड़ना नहीं, मेरा गुरु वो रहा। तो आपको इनके बारे में पता नहीं, इन्होंने कुर्सी स्टिच करा रखी है। हाँ, जब ये उठती ना सोफा भी साथ में उड़ जाता है। आपको पता सोनाली जी, जब टेरेंस सर को पता चला ना कि आप शो में आ रही हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा देना शुरू कर दिया जिम में इन्होंने। सीरियसली आप इनका इंस्टाग्राम खोल के देख लो। हाँ। हर दूसरी फोटो जो इनकी है टॉपलेस है। तो आपको शरीर के ऊपरी भाग में गर्मी ज्यादा लगती है या टी शर्ट खरीदने का टाइम नहीं लग रहा था आपको? बता दो कितनी बार आपने शर्ट निकाला है ऑडिशन में? ये पुष्टिनी जायदाद है, जेनेटिक जो मिला है बस, दैट्स इट। नहीं यार, बड़ी मेहनत करते हो, हमेशा बड़ा अच्छा लगता है टेरेसर आपको देख के, हमेशा फिट एंड फाइन, वेरी नाइस। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है इंडियाज बेस्ट डांसर के एंकर जो हैं उनको मंच पे बुलाने का, आप सबकी जोरदार ताले के बीच। वाह जय, वाह क्या तालियां बज रही जय। ये वाह, अच्छा तो ये सबको जय ने बुलाया है। पता चल गया जय के रिश्तेदार कहाँ कहाँ बैठे हैं। जय, भानुशाली को आप इतने सालों से देख रहे हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत प्यारे इंसान हैं, लेकिन आज ये जय भानुशाली की जगह जय भाग्यशाली हो गए, हमारे शो पे आए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। अच्छा जोक से बात, बड़ा अच्छा काम कर रहा है मेरा भाई, सोमवार से शुक्रवार ये पूरे डेली सोप में आपको देखेंगे और शनिवार से इतवार इंडियाज बेस्ट डांसर को होस्ट करते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो पूरा हफ्ता आपने घर से बाहर रहने का बहाना निकाला है, कितने साल हो गए शादी को जय?
ये सही पॉइंट पकड़ा है. सब मुझसे पूछ रहे थे कि 15 साल हो गए तुम यू नो डेली सोप नहीं किए हैं आपने, यू नो फिक्शन शो नहीं किया है, तो करते क्यों नहीं. मैंने बोला करता हूँ. प्रोड्यूसर ने भी बोला कि यू नो हम सोच रहे हैं कि आपके साथ आपकी वाइफ को यू नो कास्ट कर लेते हैं. अच्छा. मैंने बोला कि यार उधर से निकलने के लिए तो मैं इधर आ रहा हूँ. जय की धर्म पत्नी जी माही विज जी भी यहाँ पे मौजूद है और इनकी बड़ी प्यारी सी बेटी तारा. हाय तारा. एंड साथ में खुशी एंड राजवीर भी है, वो भी मेरे बच्चे हैं. खुशी एंड राजवीर, हाउ आर यू? अच्छा माही, जय तुमसे प्यार ज्यादा करती कि शक ज्यादा करती? यहाँ पे भी पहुंच गई. हाय माही, वेलकम. आइए जय, बहुत बहुत स्वागत है. बहुत प्यारे लग रहे हो आप. थैंक यू, थैंक यू. अच्छा, इंडियाज बेस्ट डांसर में आने के लिए ना लाखों करोड़ों लोग ऑडिशन देते हैं, लेकिन ऑब्वियसली आप कुछ ही को चुन के ला सकते हो. टेरेंस सर, एक बात बताइए, जो आपके जानकार होते हैं, रिश्तेदार, भाई बंधु, ये वो, सुबह जो दूध देने आता है, उन लोगों का प्रेशर रहता है कि जो सुबह दूध डालने आया हो आपको कहता हो कि सर जी नॉट टू मच, ऐसा कोई बोलता है आपको? ऐसे कहते ही होंगे कि सर हमारा दबाव नहीं होता, लेकिन रिक्वेस्ट होती रहती है कि सर मैं कर सकता हूँ क्या, मैं आ सकता हूँ, कहता आओ ऑडिशन दो. तो ऐसा बहुत सारे लोग आते हैं, मिलते हैं, बट इट्स अ शो एंड शो बहुत बड़ा है, सो यू कैन नॉट डू ऑल दीस थिंग्स कि जैक नहीं लगा सकते हैं. अच्छा गीता मैम ना वैसे तो बड़ी हसमुख है, लेकिन हमने सुना कि जब ये एज ए गुरु सिखा रही होती हैं तो बहुत डांटती भी हैं. हाँ. क्योंकि इनको सब गीता माँ कहते हैं. आपको वैसे कंटेस्टेंट्स पे गुस्सा आता है या आप किसी के पापा को देख लेते हैं जबकि अच्छा ऐसा पापा लेके घूम रहा है और मुझे माँ बोल रहा है, मतलब आपको गुस्सा आता है? गीता मैम मैंने कभी आपको हमेशा मुस्कुराते ही देखा है, पर आपको गुस्सा आता है वैसे? बहुत ज्यादा आता है. हाँ, किस बात पे आता है ज्यादा आपको? कि उनके पास पापा है. और मेरे बच्चों के पास नहीं है. पर ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, पता है, माँ शब्द में इतनी इज्जत है ना जी, कि इससे बड़ा शब्द कोई है ही नहीं. है. और जब आपके जो स्टूडेंट्स आपको माँ बुलाते हैं तो जाहिर सी बात है वो उनके दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है. हालांकि ये उल्टा, अगर कहीं किस दिन को टेरेस को आके बोल दे कि पापा पापा तो ये उसका बाप, उसका बाप गायब हो जाएगा. सच भी हो. कपिल एक बार पूछते तो हैं कि उन्होंने ये शादी क्यों नहीं कर रहे यार, मतलब इतने हैंडसम है, सब बढ़िया है, दिख रहे भी अच्छे हैं, शादी क्यों नहीं कर रहे? बताइए ना आपको, आपको कितना मजा आया, आप बताइए ना शादी के बाद. तुम करो ना, मेरे को 10 साल हो गए, तुम कर आज होस्ट. सीरियसली सीरियसली मेरा आज मेरा मन है, मेरा भाई बहुत अच्छा होस्ट करता है. जय प्लीज, क्योंकि आप तो अब इनके साथ काम कर रहे हो. हाँ. आपको अंदर की ज्यादा बातें पता है, निकलवाओ कुछ मसाला. नहीं, मैं जान नहीं, अंदर की खबर तो यू नो गीता माँ को बहुत पता है इनके बारे में. वो कौन आए थे? मैं हूँ गॉसिप चाची. हाँ, ये एक बार ऐसे अचानक से इन्होंने इनके घर पे ऐसे सरप्राइज विजिट दिया था, तो वो कौन थी? मैं नहीं बता सकती. हाँ. मैं बता नहीं सकती, मैं दिखा सकती हूँ. एक दिन जब वो गुजर रही होगी तो मैं बोलूंगी ये वो रही. वो तेरे साथ भी कर सकती हूँ जय. She's just joking. Hello. Hello. Hi, Jay. Hello. Hello. How are you? How are you? Good to see you again. Good to see you once again. Welcome to the show, Sonali ma'am. First time. Looking good. आपकी बीवी बड़ी ओवर फ्रेंडली है. देखो मैंने कहा फ्रेंडली है, ओवर फ्रेंडली बोला, बाहों पे सरसों का तेल लगा के ये सब बोला. हॉलिडे पे क्या चलेगी, इतनी जलन है इसको, मैं बहुत ज्यादा ही सो जेलस. ये खिड़कियों से पर्दे उतार के जो तूने साड़ी बनाई ना, घर का कोई सामान नहीं छोड़ रही है. हो गया, आगे बढ़े. हो गया, हो गया, मेरा तो होके चलने में लग गया. Coincidence, क्योंकि मैं अभी आप ही से मिलने आपकी अकेडमी जा रही थी. पर उनकी लॉन्ड्री कोई और करता है, उनका है कोई बंदा. मैं हम दोनों
दोनों को डांस सिखाने की बात करने के लिए जा रही थी। आप दोनों को? हाँ, वो मैम एक्चुअली मैंने सुना है कि जब पार्टनर्स डांस करते ना तो उनके बीच की जो क्लोजनेस है, जो इंटीमेसी है, वो बढ़ जाती है। ऐसे होता तो गीता और टेरेंस आज तक सिंगल ना होते। ऐसे नहीं होता। तुमको उनकी पड़ी है और जो हमारी हस्बैंड वाइफ की जो केमिस्ट्री खत्म हो चुकी है उसका क्या? मेरी वजह से हुई है? हाँ? तुम्हारी हरकतों की वजह से हुई है। हनीमून से पहले मैंने इसको पूछा कि कौन सा स्वीट बुक कराऊं, बोलती इमरती। तो मेरी वजह से थोड़ी हुई है। कितना हंस रहे हो? मैंने दो एपिसोड पहले देखा था कि जो ज्यादा हंसता है उसी का क्लोज लगता है। तुमको क्या लग रहा है? और एक बात और भी है, आज पहली बार इसकी बीवी सामने बैठी और ये बोल रहा है। ये शर्मा जी यार, कभी तो सीरियस हो जाओ। तुम कभी तो फनी हो जाओ। मैं फनी? ये सिर्फ बहाने बना रहे। तुमको मेरे साथ डांस सीखना पड़ेगा। वैसे भी अगले हफ्ते में दिल्ली वाली जो कजिन है उसकी शादी है, तो फिर शादी कर रही है वो। उसको हर साल दूल्हा कहाँ से मिल जाता है? ऐसी उसकी कजन है ना, उफ। मेरे को मिलवा दो, मेरी एक भी नहीं हो रही। शर्मा जी, मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी में हम ऐसा कुछ परफॉर्म करें कि यू नो सबको याद रहे हमेशा के लिए, यू नो हमने कुछ किया है। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? उसके फेरे रुकवा के मुझे डिवोर्स दे दे। पूरी बारात को याद रहेगा वो सीक्वेंस। मेरे साथ डांस करने के लिए बेसिकली बात वही है। इसको पता है मैं कितनी अच्छी डांसर हूं। आप तो देखना पड़ेगा। मुझे देखना है। नहीं नहीं गीता मैम, मैं इतना अच्छा डांस करती थी कॉलेज में कि जजेस उस पर कंपटीशन के वक्त once again करते बोल बोल के मुझे डांस करवाते रहते थे। तो इसको पता है ये सब। वो बेचारे बड़े सोबर लोग थे, कुछ वैसे तो कह नहीं सकते थे। वो कहते इसको नचा नचा के मारेंगे आज, इसलिए बार बार नचवा रहे थे। आप मेरे को डांस स्टेप सिखा दो, मेरे साथ डांस करके शायद इसको तब जलन हो। मुझे तो चलो जलन होगी, आपको जो खुजली होगी ना बाद में। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। पता नहीं ये कौन सा परफ्यूम लगाती है, 2 इंच दूर से आपको खुजली होनी शुरू हो जाती है। क्या बात कर रहे हैं आप, सच में? हाँ। जजिस, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जजिस, मैं हो रही हूँ मंजू। मैं एक नंबर की लालची, एक नंबर की भूखी प्यासी, एक नंबर की ढीठ हो रही हूँ। अरे मैं और मेरे पति लड़ते रहते हैं घर में, हमारे दामाद जी हमसे तंग हैं। मम्मी तुम ये सब क्या बोल रही हो? अरे बिंदु, मैं ना चाहती कि मेरे ऑडिशन में दामाद जी कुछ ऐसी बातें करें, इसलिए मैंने पहले ही सब उगल दिया। ऑडिशन यहाँ पे कोई ऑडिशन नहीं चल रहा। ऑडिशन ना चल रहा ना। तो चलो आओ, मैं ना। अरे मैं तो इस बार आईबीडी का ऑडिशन क्लियर करके ही जाऊंगी। पता है गीता जी, मैं आईबीडी का ऑडिशन देने के लिए कहाँ कहाँ नहीं गई। कहाँ कहाँ नहीं गई आप? अरे कहीं ना कहीं सीधा यहीं आ गई। तो जजिस, मैं आपके लिए कथक पेश करूंगी। एक सेकंड, कथक आता है मम्मी? आता है? अरे मेरे रोम रोम में कथक भरा हुआ है। मैं तो पान वाले को भी कहती हूँ, भैया मेरे पान में कथा ना, कथक डाल। खतरनाक। तुम पान भी खाने लग गई माँ? अरे नहीं, तेरे पापा मुझे पान के खोके में मिले थे, वही चूना लगा गया कम बखत। क्या बताऊं? मम्मी, तुमको डांस करना भी आता है? पहले कभी किया है कि तुम ऐसे ही मुंह उठा के आ गई हो आज? अरे आता है। अरे जैसे डांस में गीता जी को गीता माँ कहते हैं, ऐसे ही मुझे मंजू मौसी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं, आपकी शक्ल हिमाचली बिल्ली से मिलती है, पता है? हरते भी दोनों बच्चे हैं आपको पता है इनके? अरे तो इसमें हिमाचली बिल्ली का क्या कसूर है? इसके बाप आकड़ बिल्ले को रोको, सब उसकी वजह से है। अरे सच कह रही हूँ।
इतने में ना आ रहा। एक मिनट सोनाली जी, आपने वो किताब लिखी है ना बच्चों पे, बच्चों को कैसे पालें, मेरी मानो एक किताब लिख दो, पति को कैसे टालें। मम्मी बस ठीक है, तुम क्या फालतू बात लिए, तुम कुछ और बात करनी है कि तुम? मैं फालतू बात कर रही हूँ? हाँ। तो रुक जा एक मिनट, काम की बात कर लेती हूँ मौका लेके। हाँ तो बेटा टेरेंस, मैंने सुना है आप घर में सबसे छोटे हो। हाँ। सिंगल भी हो। हाँ। तो हमारी जिसकी छोटे वाली है ना कुमारी बैठी है, अगर हाँ कहो तो मैं बात पक्की कर दूं। अरे फिर हम भी कहने को हो जाएंगे, बंबई जैसे शहर में हमारी बेटी का भी अपना टेरेस है। इन दोनों को इतना सुख को देखकर मेरा मन नहीं कर रहा शादी करूं। हाय क्या करूं, कहां किस्मत फोड़ लूं मैं अपनी। हां तो सही तो बोल रहे हैं वो, मेरी जिंदगी तो आपने खराब की है, अब उनकी क्यों करने पे तुली हुई हो? एक सेकंड, तुम्हारी क्या जिंदगी खराब की है मैंने? अरे मत पूछे, बता देंगे वो। तुम इनकी साइड क्यों लेती हो? अरे बिंदु तेरी साइड में क्या धरा है, सारा फायदा तो यही है। चालाक ब्रो, चालाक। ये वही है, लिपस्टिक लगा के आया। अरे नहीं, मैं ऑन द स्पॉट। तो होगी तुम्हारी फालतू बातें। अरे रुक जा बिंदु, अभी मुझे नहीं रुकना, तुम्हारी फालतू बातें खत्म नहीं होती, मेरी मेहनत होती रहती है तुम्हारी। अरे मैं गोल्डन बजर तो ले लूं, कहां धरा है, कहां पा देंगे तुमको गोल्डन बजर। चलो जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये देखो, इसको चाहिए होता है काजू किशमिश बादाम। देख लो आप मेरा परिवार कैसा है, माइंड ब्लोइंग है, हैं? सुपर्ब। तो आप ले जाओ, पैक करा दूं आपको मैं। मैं तो सोच रही हूँ लेके नहीं जाना, मैं खुद आके शामिल हो जाती हूँ। एक बात बताओ, आप इतने सारे लोगों के ऑडिशन करते हो, कोई ऐसा कंटेस्टेंट मिला है जिसको आपने रिजेक्ट कर दिया हो और वहीं बैठ गया हो कि मैं नहीं जाता, या उसके माता पिता अड़ गए? बहुत बार होता है। फिर क्या करते हो आप? कुछ नहीं, पैकअप के बाद ऐसे मतलब सुमसान कोई गली देख लो और उसमें से निकल लो। क्योंकि मार खाने की अब उम्र नहीं रही मेरी। एक्चुअली पेरेंट्स ज्यादा अपसेट हो जाते हैं बच्चों से ज्यादा। मैंने देखा था एक तो शो में, अनु मलिक साहब से भिड़ गया था आदमी वो। है ना, कहता क्यों नहीं आता मुझे गाना, वो कहता रहे मैंने बोला नहीं आता। लेकिन सोनाली जी इतनी स्वीट दिखती है ना, इनको देख के लगता है कि ये जो भी जजमेंट देगी ना सामने वाला मान लेगा। हाँ। ये अभी बच्चों का एक शो भी जज करती थी, अपने घर में आपके बच्चे आपकी मान लेते हैं? नहीं। नहीं मानता। बच्चों का बाप? बिल्कुल नहीं मानता। अरे बाप रे ब्रो, कैसा? हाँ गुड। अरे बाप, कैसी हैं आप? ऐसा क्यों लग रहा है आप सब सलाखों के पीछे हैं? सेहरा मुंह पे था तो हैंडसम लग रहे थे। ये अच्छा है, वेरी नाइस, थैंक यू। ये जो लिपस्टिक का दाग को छुपाने के लिए आपने ये करवाया नहीं, लेकिन अच्छा है। लिपस्टिक का दाग बड़े आराम से छुपाया। एक मिनट, ये दिखाइए क्या लिखा है यहाँ पर। ये क्रिएटिंग मेमोरीज नहीं है, ये डिलीटिंग मेमोरीज है जो करवाया है। है सब समझ में आता है हमको। ये सेहरे में मुंह कैसे फंसा गया है आज आप? कहाँ जा रहे हो आप सेहरा लगा के? ऑस्कर सेरेमनी के लिए जा रहे हैं। सेहरा लगा के आदमी कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? I'm getting married, bro. आपको पता नहीं है घोड़ी चढ़ने वाले हैं हम। वाह, घोड़ी को पता है कि उसकी लास्ट बार आता है ये? शर्मा जी, आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना हमारी इज्जत हमारी भैंसिया के लिए बढ़ गई है। क्यों? उसकी चार टांगे हैं लेकिन हमारी बातों में वो एक भी नहीं अड़ाती। बड़ा अच्छा लग रहा है सोनाली जी, हमेशा फैन रहे हैं आपके। ओह थैंक यू। अरे होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। आप कमाल है। थैंक यू। आपसे कहना चाह रहे थे क्योंकि आप हीरोइन हैं,
आपका नाम सोनाली है। ओके, अगर आप हिल स्टेशन होती तो आपका नाम क्या होता? मनाली। अगर आप बंदूक होती आपका नाम होता डोनाली। अगर आप सिंगर होती तो आपका नाम क्या होता? कवाली। नहीं, सोनाली होता, क्यों चेंज होगा? इट्स द सेम। करेक्ट। जैसे सोनाली जी, गीता जी को हमारा हेलो कहिए ना जरा। डायरेक्ट बोल देना। अरे नहीं शर्मा जी, हमारे यहाँ पे शादी से पहले लड़का लड़के ऐसा ओपन बात नहीं। बच्चा तूने सोच भी कैसे लिया ये तेरे से शादी करेंगी? मैंने हाँ भी कर दी मन में, सोच। तुम सोचो। अरे यार देखो शर्मा जी, क्या है, कियारा का शादी हो गया, कैटरीना का शादी हो गया, आलिया का शादी हो गया, तो तूने उनसे भी शादी करने का सोचा था? नहीं नहीं, हमने सोचा था कि उनको एक मौका देंगे हमसे शादी करने का, बट दे मिस द चांस। तो यही मौका अब हम आपको देना चाहते हैं, क्योंकि आपको मनी वन लाइक भी करते हैं हम। आप कब तक ये कॉन्टेम्प्ररी करती रहेंगे, या परमानेंट भी कुछ हो जाए? नहीं, तेरे को शादी करनी क्यों है? कारपेंटर की वजह से करनी है। मतलब कार ने बोला था सिंगल बेड बना, उसने डबल बना दिया। गीता, कमरे में अब जगह नहीं है, बेड पे जगह ही जगह है। नहीं, सिर्फ ये कारण नहीं है, एक और कारण है, आई विल टेल यू। अभी क्या है, हमारा जीवन में ना बहुत ज्यादा आजादी हो गया है। आजादी आज बहुत ज्यादा। कल रात को हम अपने घर लौटे, रात को 2 बजे, कोई हमसे पूछ ही नहीं रहा है कि इतनी रात तक कहाँ थे। अरे कोई पूछे यार, कहाँ थे? हम सच में चाहते हैं हम पे कोई शक करे, डाउट करे हम पे। कहा थे? हमारे कंधे से एक बाल उठाए और कहे ये किसका बाल है? अरे किसका बाल है? और हम कहें अबे, आपको ये सब करना है तो फिर वो बेड खाली ही रहेगा। देखिए हम भी चाहते हैं औरों की तरह हम भी अपने खुद के घर में घुटन महसूस करें। जय की तरह। नहीं शर्मा जी, आपको तो पता ही है हम किस चीज की बात कर रहे हैं। देखिए हम तो आपको सच में कह रहे हैं, आप हमसे शादी कर लीजिए। देखिए दूल्हा यहाँ पे खड़ा है, बाराती भी हैं, साथ में यहाँ पर बैंड भी है, नाचने वाले भी मौजूद हैं, हैं? और रिश्तेदार भी हैं। हेलो हेलो, जज हैं वो सब। हाँ तो रिश्तेदार भी आजकल जज ही करते हैं। डीप बात कर दिया हमने, बहुत ज्यादा डीप बात कर दिया। और देखिए जूता चुराने के लिए हमारे पास साली भी है। साली कहाँ है? बानू साली। ये भी अच्छा था बच्चा। थैंक यू। तू सबको बुला रहा है, तू अर्चना जी को क्यों नहीं बुला रहा है? नहीं यार, यार देखिए आलिया ने उनको नहीं बुलाया, कियारा ने नहीं बुलाया, कैटरीना ने नहीं बुलाया। अब हम अकेले बुलाएंगे तो उनको बुरा नहीं लगेगा। बच्चा चल, तू ना बहुत ज्यादा कर रहा है, तो उनको नहीं करनी तेरे साथ शादी। मेरी तरफ से क्यों बोल रहे हो? मुझे करनी है। मुझे करनी ना आपसे? अरे करनी है यार, कह रही है। हाय हाय, आपको ये रिश्ता पक्का है? ये एक मिनट, आप हमेशा ऐसा करेंगे, शुरुआत एक जगह करेंगे और खत्म दूसरी जगह? ये तो आपने शक करना पहले से ही शुरू कर दी। ये सब आपके नोट देख के मैं बड़ी खुश हुई हूँ बच्चा जी। प्लीज नोट इट। नोट इट डाउन। यस, हम आपके हुए। हम ना बाकी की तैयारियां थोड़ी करके आते हैं। आपका एंटेना सलामत रहे। ये हमारी तरफ से शगुन है, शुक्रिया। ये रखिएगा। शुक्रिया। आप लोग को भी आना है, जरूर पहुंचिए। अरे आपको थोड़ी देना है। आपका तो हम बैंक बैलेंस लेंगे बच्चा जी। सब तैयार है आप भी? अरे ये तो 475 रुपए का नोट कौन छापता है? चलिए मिलते हैं। आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स डालते हैं, उनको जो भी आप नया कुछ करते हैं,
और नीचे कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जी दिखाइए, पहला फोटो जो है गीता जी ने डाला है, कुछ यारियां सिर्फ दोस्ती से गहरी होती हैं। थैंक यू रेमो एंड टेरेंस फॉर लविंग मी सो इक्वली इफ नॉट मोर। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुछ यारियां तब तक ही रहती हैं जब तक आप उन्हें बियर पिला रहे हो। जब आपके पैसे खत्म, दोस्ती भी खत्म, एक भुक्त भोगी। आप मुंबई आ सकते हैं ये सुनने के बाद, तीनों मुंबई के लिए निकलते हुए। और दिखाइए, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते स्वीट वाले। अरे वाह, जय वीरू और बसंती, बस धन्नो की जॉब टेक्नोलॉजी खा गई। I love, very nice, very nice. और दिखाइए, I can't make it, I'm busy tonight, I have plants. What a word play. Very nice. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैडम आपको पौधों की काफी नॉलेज लगती है, हमने 5 साल से मनी प्लांट लगाया हुआ है लेकिन मनी नहीं आ रहा, आप बता सकती हैं हमारा पौधा खराब है या किस्मत? ऐसी लड़कियां मोहल्ले में हो तो बिना पेड़ पौधों के भी हरियाली रहती है। आइए और देखते हैं। बी हैप्पी, इट ड्राइव्स पीपल क्रेजी। ओ वाओ जय। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। जिन जगहों पर आदमी लंगोट में जाता है ये कोर्ट में गए हैं। इनको दोस्त की शादी की इतनी एक्साइटमेंट थी कि टेंट लगने से पहले ही तैयार होके आ गए। और दिखाइए, गीता जी ने ये फोटो डाला है फरा मैम के साथ। थैंक यू फॉर ऑलवेज होल्डिंग माय हैंड, थैंक यू फॉर नेवर लेटिंग मी फॉल, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर क्राफ्ट, थैंक यू फॉर सेल्फलेसली होनिंग माय स्किल्स एंड ग्रेशियसली लेटिंग मी फ्लाई, आई लव यू फॉरएवर, वेरी नाइस पिक्चर। एंड कितना दिल से लिखा है आपने, हैप्पी गुरु पूर्णिमा मम्मा गुरु। अच्छा आप उनको मम्मा बोलती हैं? हाँ जी। वेरी नाइस। आइए कमेंट्स देखते हैं नीचे। स्टूडेंट टैलेंटेड हो तो ही गुरु साथ खड़ा करके फोटो खिंचाता है, मेरे गुरुजी तो दूर से ही चप्पल फेंक के मारते। ए भगवान। दो जानकार लोग ही ऐसे फोटो खिंचा सकते हैं। एक शादी में मेरी माँ के पीछे एक अनजान औरत खड़ी हो गई थी, नेकलेस और बाएं कान का झुमका निकाल के ले गई। गुड बात। और दिखाइए, गीता जी गुरु का हाथ पकड़ने से कुछ नहीं होगा, अगर आप मेरा हाथ पकड़े तो हमारी फैमिली शुरू हो सकती है। किसी ने रिप्लाई किया उसको कि तुम अगर बिजली का तार पकड़ लो तो बात यही खत्म हो सकती है। और दिखाइए, ऐसा लग रहा है जैसे मांडवा का राजा अपनी रानी के साथ फोटो खिंचवा रहा है। मांडवा का राजा। और दिखाइए नेक्स्ट नेक्स्ट। प्रस्तुत पंक्तियों से कवि का क्या अभिप्राय है? वेरी नाइस पिक्चर, वेरी नाइस बॉडी, बस बात खत्म। आइए कमेंट्स देखते हैं। किसने खींची है तो पूछो। फोटो किसने खींची है? मूविंग ऑन। नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप किसी की बोट लेके भाग रहे हो या कोई आपकी शर्ट लेके भाग गया? शर्ट लेके भाग गया। अभी नेवी में इनकी आधी नौकरी लगी है, पूरी होते ही शर्ट भी देंगे। पानी में चलने वाली गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए तो तुरंत पता चल जाता है, बुलबुले निकलने लग जाते होंगे। ये कौन भाई साहब है, कहाँ से आते हैं ये लोग? और दिखाइए। लो जी, हैप्पी बर्थडे गोल्डी बहल, बहुत अच्छी फोटो है। क्या लिखा होगा यार ये तो? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप इतनी अच्छी हैं, अपने पति को गोल्डी बोलती हैं, मेरी तो बेवड़े बोलती है। उसको किसी ने रिप्लाई किया, भाई उनका नाम ही गोल्डी है, उसने फिर रिप्लाई किया, मेरा तो बेवड़ा नहीं है ना। पत्नी सोना और पति गोल्डी, आप घर में रहते हैं ज्वेलरी की दुकान में? गुड बात। और दिखाइए, पति जब ज्यादा प्यार जताए तो बीवियां ऐसे ही सूंघ के चेक करती हैं कि पी तो नहीं। पति अपनी पत्नी के पास ऐसे तभी आता है या तो वो बहुत दिनों बाद मायके से आई हो या पति ने कुछ गलत किया हो।
उनको पता नहीं कितना एक्सपीरियंस है। और दिखाइए। धन्यवाद। अरे वाह। सोनाली जी एक बात बताइए, जब आप फिल्मों में आई थी, आपके इतने मतलब पहली फिल्म से इतने करोड़ों दीवाने हो गए आपके, फिर जब आपने शादी की ना गोल्डी बैल साहब से, तो गोल्डी साहब को आप देख के पहल गई थी कि उन्होंने पहल की थी पहले? मतलब बता। हाँ, एक दूसरे से बहल गए हम। एक दूसरे बहल गए। और फिर बह भी गए। जय के बारे में मैं आपको एक राज बताना चाहता हूँ कि जब इनकी शादी हो गई ना, तो एक साल तक इन्होंने पूरी इंडस्ट्री से छुपाया कि ये शादी कर चुके हैं। Really? आपको डर था कि शादी की पार्टी देनी पड़ेगी या औरों से भी वादे कर रखे थे आपने? क्या माही भी आज यहाँ पे बैठी हुई है, आज कोई झूठ भी नहीं बोल सकता। माही तुम बताओ क्या क्या क्या, क्या रीजन था? देखो गेस्ट के तौर पे आए हो तो गेस्ट की तरह बैठो चुपचाप वहां पर, क्योंकि स्टैंड बाय पे बहुत और थी, तो इसने सोचा चल एक साल और निकाल लेता हूं। अच्छा, तो हुआ ये था कि जब शादी मैंने डिसाइड किया कि यार मुझे अभी माही के साथ शादी करनी है, तो प्रॉब्लम ये थी कि इससे पहले घर घर जाके हमने बहुत तिलक लगा के बैठे थे। अच्छा, तो स्ट्रेस यही था कि जब पता चलेगा कि मैं शादी कर रहा हूँ, सब आकर इसको मेरी ना चुगलियां करने वाली है। हाँ। तो उसी चक्कर में मैंने छुपा कर यू नो एक साल किया, और फिर बाद में अराउंड 10 साल के बाद मैंने ऐसे ही पूछा, यू नो मैं बात कर रहा था या मैंने बहुत कोशिश की यू नो एक साल छुपाने की, फिर पता नहीं वो कौन था जिसने न्यूज़पेपर में ये कर दिया, लीक कर दिया, तो 10 साल के बाद उसने कहा वो मैं ही थी। है माही, गुड ऑप्शन, वेरी नाइस, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। को बोला ओपन कर दे, एक साल हो गया, अभी सबको बता दे, हम लोग साथ रहते, देख लिया है सबने। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा चल तू नहीं मानता तो मैं ही बोल देती थी। माही माही माही। So इतने सालों से हम आ रहे हैं, जिस तरीके से आप गाते हो, जो सुर पकड़ते हो, जो मीटर में गाते हो सर, थैंक यू भाई, आपकी आप क्या रिदम के बादशाह हैं ये, तो आपकी तरफ से कमेंट आना, बहुत बहुत शुक्रिया। फील वाली बात होती, सामने बैठी थी ना आप, तो मैं आप दिल से मैं आमिर खान और जगजीत साहब दोनों अंदर। ओ भाई, ये बहुत वियर्ड कॉम्बिनेशन है, बट चलेगा। व्हाट अ कॉम्बिनेशन। अच्छा, आपको पता है, सुना लीजिए, एक बार दिव्या दत्ता जी हमारे शो पे आए तो उन्होंने एक किस्सा सुनाया था, आपको भी मैं सुनाना चाहूंगा, प्लीज हैव अ लुक, दिखाइए जरा। दिव्या, आपके बारे में ये अफवाह कि आप और सोनाली बेंद्रे दीवार कूद के अंदाज अपना अपना की शूटिंग देखते थे। सही बात है, हम लोग एक साथ कोर्स कर रहे थे, एक्टिंग कोर्स। अच्छा। और बिल्कुल साथ वाले बंगले में अंदाज अपना अपना की शूटिंग हो रही थी। ओ। तो मैं तो चढ़ गई दीवार पे, हमें कहा जल्दी आ सोनाली, यहाँ पर शूटिंग चल रही है, सलमान है, आमिर है, एवरीबॉडीज देयर। शी सेइंग छोड़ना यार, हम इनके साथ काम करेंगे। सोनाली जी क्या बात है, वैसे आपने जो कहा और बाद में आपने किया भी नहीं, सर ये तो दिव्या कह रही है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा कि सोनाली ने मुझे कहा कि छोड़ना, एक दिन इनके साथ काम करेंगे। तो आपके दिमाग में कब आया था सोनाली आपको एक्ट्रेस बनना है? मुझे कभी दिमाग में आया ही नहीं था, इसीलिए ये सब बोल सकती थी, अगर दिमाग में आता तो शायद बोलना इतना बोल ही नहीं पाती। बट आई नेवर थॉट आई वुड बी एन एक्ट्रेस, मुझे लगा ही नहीं था। यू नो अपॉर्चुनिटीज आती गई, और जैसे आप अगर आप बेवकूफ हो गए अगर आप अपॉर्चुनिटी आई और अगर उसका फायदा नहीं उठाओ, तो अपॉर्चुनिटीज आती गई और मैं करती गई काम और सीखती गई काम करते करते, आज इधर हूँ बस। जो भी किया आपने कमाल का किया सोनाली, थैंक यू सो मच। अच्छा, टेरेस सर के बारे में भी हमने सुना है कि ये बचपन में एक्टर बनना चाहते थे, तो किसी ने आपका डांस देख के बोला कि नहीं आपको कोरियोग्राफर बनना चाहिए, या किसी ने आपकी एक्टिंग देख ली थी उसने बोला कि आप कोरियोग्राफर बनो? दोनों चीज सामने थी, लेकिन एक में ज्यादा पैसे मिल रहे थे कोरियोग्राफी में, और लगातार, और क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पे यू नो जरूरत थी, सो जहाँ पर पैसे दिखे, प्रैक्टिकल इंसान हूँ, वहाँ पे मैंने लगा यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सर अभी आप इतने हैंडसम है ना, इतना टॉल, मतलब क्या कमाल की पर्सनालिटी, अगर आपको कोई अभी एज ए हीरो कास्ट करे, कौन सी ऐसी हीरोइन है जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगे पर्दे पे? काफ़ी है, प्रियंका चोपड़ा, आई लाइक हर पर्सनालिटी, आलिया है, कॉन्फिडेंट है, अच्छी एक्ट्रेस भी है, बट या ये सब ख्याली पुलाव है, सच्चाई में क्या है, सोचने में क्या है। गीता मैम, आपको सब गीतामा बोलते हैं, चलो अच्छी बात है, उसी में नैया डूब गई एक्टिंग वाली। आपका मन नहीं करता मैं कभी फिल्म में एक्टिंग करूं और मैं सामने अपने हीरो से बोलूं कि लोग माँ माँ बोलते रहते, कि आप मुंह से बोलें कि प्रेम मैं तुम्हारे बच्चे की कोरियोग्राफर कोरियोग्राफर बनना चाहती हूँ।
बात वहीं से शुरू होती कि मैं तुम्हारे बच्चे की, और फिर बात मुड़ जाती है कोरियोग्राफर की तरफ, तो वही चलता आ रहा है सिलसिला। पर आप इतना कमाल का कर रही है, अगर आप ये छोड़ देंगे तो करेगा कौन? बात तो यही है, तो आप बहुत अच्छा कर रही है, यही करते रहिए। इंडियाज बेस्ट डांसर देखें, उसमें जो अब बच्चे आए हैं वो कोरियोग्राफर मतलब हमें पार करने वाला टैलेंट लेके आए। बिल्कुल, और साथ ही साथ हम रहे ना रहे हम भी देखिए सोनी टीवी पर। क्या तुम कहाँ जा रहे हो भाई? नहीं नहीं, मेरे दो दो शोज लॉन्च हो रहे हैं ना। ओ अच्छा, अपनी प्रमोशन बीच में डाल, क्या करे क्या। देखिए कपिल जी, आप तो सैटरडे संडे आएंगे, हम तो यू नो संडे टू संडे यू नो सोनी पर राज करने वाले हैं। और मैंने सुनने में आया कि सोनी ने अपना लोगो हटा के जैक का मुंह लगाया वहां पे। 7 दिन सोनी पे नजर आएगा। आप तीनों जैक के साथ काम कर रहे हैं, आपको पता है जैक की एक पीछे कंट्रोवर्सी हुई, तो माही ने भाई साहब को सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर दिया है? तो इन्होंने माही के फैंस के लिए लिखा कि इनसे रिक्वेस्ट करो मुझे अनब्लॉक कर दें। क्यों, क्या हुआ था? मतलब अभी बीच में से उठ के चली गई, खुशी खुशी गई है कि नाराज हो गई है? अब ब्लॉक करने गई। अब मुझे भी वही डर लग रहा है कि आज मैंने क्या ऐसा उल्टा बोल दिया जिसकी वजह से ये निकली है यहाँ से। क्या है कि एक बात मान लो कि जो आंखें बंद करके प्यार करे वो है प्रेमिका, जो आंखें बंद होने तक प्यार करे वो है माँ। वाह। और जो आंखें दिखा दिखा कर प्यार करे वो तुम्हारे बच्चों की माँ। लेकिन हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है, क्या है कि मैं एक मानता हूँ, और जितने भी यहाँ पे हस्बैंड्स हैं जो शादी करने वाले हैं, मेरा मानना है कि अगर आपकी बीवी शादी के बाद आपके सीने में सर रख कर आपसे सवाल पूछे कि कल रात आप कहाँ थे, डेंजर, हार्ट अटैक, तो सच बताओ तो जवाब मायने नहीं रखता। दिल की धड़कन नियंत्रित रखना ज्यादा जरूरी है, ये पत्नी द्वारा पति पर नार्को टेस्ट किया जाता है। क्या बात है मेरे भाई, मैं आपको सम्मानित करता हूँ, ये इतना खूबसूरत जो आपने तोहफा दिया है पति को, ये बड़ी टेक्निकल बात बोली है। ईसीजी मशीन है वो। कि जवाब मायने नहीं रखता है, दिल की धड़कन को नियंत्रित रखना है आपने। दोस्तों उससे आगे चल के भविष्य में आपके कभी ब्लॉकेज भी नहीं आएगी, नहीं तो आप उसी वक्त गए। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इतनी ऑडियंस में जितने भी मर्द है वही लोग हंसे हैं जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु ज्ञान देने के लिए। ये बहुत फीलिंग के साथ कह रहा है कपिल, बहुत फील कर। कभी कभी ना वाइफ वैसे ही पूछ लेना कि कहाँ से आए हो, तो जो आदमी थोड़ा काना होता है ना उसके होठ सूख जाते हैं। क्या मतलब? कहाँ से क्या मतलब? तो आदमी खुद ही पकड़ा जाता है, लड़की कुछ नहीं बोलती। कपिल जी, इससे पहले आपको ऐसे हस्बैंड वाइफ जोक्स इतने समझ में नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे ऐसे दिख रहा है कि आप भी काफी एकदम, मुझे लगता है कि गहराई के साथ यू नो आप महसूस कर रहे हैं इसे। मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, मर्द जो नाम का प्राणी है, यही गलत होता है। वाइफ बहुत अच्छी होती है, सेहत के लिए भी अच्छी होती है, और इनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी बात है। चलो कहाँ फंसा देते हो। पिछली बार जब हमने ना इनके साथ एक मोमेंट किया था कि न्यूज पे भी डांस कर लेते हैं, उसी क्रिएटिव को आगे बढ़ाते हो, क्योंकि मार्च एंडिंग, ईयर एंडिंग चल रहा है, नया क्रिएटिव कहाँ सोचे हमें। खाली मैं एक डायलॉग बोलूंगा, हाँ। आपको एक्सप्रेशन देने, टेरेंस सर आपने पहले शुरू करनी है, जेस्चर जो भी एक्सप्रेशन, तो डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत, आय हाय क्या इम्प्रोम्प्टू है मेरा भाई, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो प्रमोद बाबू, ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर, सुहागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर, हर औरत का ख्वाब होता है एक चुटकी सिंदूर, दुनिया की ठा ठा ठा। क्या बात है यार, इतना मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड, चार लोगों के लिए अकेला किया है इन्होंने। बीच में ठा 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 भी कर दिया भाई। गीता जी आपके लिए, क्योंकि आप कौन, गीता जी कौन आया यहां पे, क्योंकि आप लड़की हैं तो आपके हिसाब से डायलॉग बात कर रहे हो। अगर आप नहीं कहते तो पता ही नहीं चलता। तो आपके लिए डायलॉग है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, प्यार से लगता है। देखो प्यार चाहिए, डर नहीं लगता मुझे। तो ये देखिए, अब आईबीडी का नया सीजन जो आ रहा है, हमारे पास भी बहुत सारा टैलेंट है, ऐसा नहीं कि सारे ऑडिशन आप कराए हो, कहीं रह जाते हैं वो फिर हमारे यहाँ आ जाते हैं। अरे वाह। तो यहाँ पे बहुत सारे कुछ धुरंधर आएंगे, वाह, जो डायलॉग्स के ऊपर आपको
देखो गानों पे तो सब करते हैं, कंटेम्परेरी बॉलीवुड ये सब होगा, हिप हॉप सालसा, हमारे लोग डायलॉग के ऊपर करेंगे। कौन कौन है मेरे भाई जिनको टीवी पे आने का शौक है? आइए भाई साहब, आइए आइए, इधर से भी है। आप इधर ही आ रहे हैं कि बाथरूम जा रहे हैं आप? अच्छा हमारे पास आइए आइए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। अरे अरे मेरे भाई, अरे अरे वाह, टी शर्ट में बॉडी कहाँ से डलवाई आपने? माइक मेरे को दे दीजिए, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, करो आप मेरे हाथों। या क्या बात है, नहीं मैंने टांगों में तो कुछ बोला ही नहीं। दोबारा, मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं, थोड़ा ठहरो सज्जन, कुत्ते में तेरा खून पी जाऊंगा। खून ऐसे पीते, टैलेंट है हमारे भाई साहब, बहुत अच्छा आपने। थैंक यू सो मच। ये सालों की मेहनत के बाद ऐसा होता है, ऐसे होता नहीं है, रात रात जाग के रियाज करना पड़ता है, पुलिस कंप्लेंट होती है, पड़ोसी अंदर कराते हैं तब जाके। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ सर। तो क्या करते हैं आप सर? सर मैं भी छोटा मोटा कलाकार हूँ, मैं मिमिक्री भी करता हूँ। अच्छा जी, कोई ऐसे आवाज निकाल के दिखाओ। अरे भाई, ओ हो हो, अरे अर्चना जी, आपने तो कहा था यहाँ एक दिल जला है, ओहो हो, यहाँ तो सभी दिल जले हैं, दिल जले। आइए सर, आगे से कोई पूछे तो ये नहीं बताना मिमिक्री करते, ठीक है? आइए, नहीं नहीं बहुत अच्छा था ब्रो, आपका क्या नाम है ब्रदर? विशाल कुमार शर्मा। विशाल कुमार शर्मा जी कहाँ से आए आप? झारखंड से सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो आपको मैं डायलॉग देता हूँ, यही डायलॉग देता हूँ, ये दे दो मेरे को। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लो कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल देता है, मेरा भी किसी ने बदल दिया था। आप वेरी नाइस ब्रो, थैंक यू। आइए जी, क्या नाम है आपका? नित्या जायसवाल। नित्या जायसवाल, मैं आपको डायलॉग देता हूँ कि पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, पुलिस तैयार क्या आई है? Now you know I don't like to do. पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है और सामने से गुंडों की आवाज आती है, सेम टू यू। देखिए ऐसा नहीं है, वेरी गुड नित्या। क्या करती है आप नित्या? I'm a student. को क्या कर रही है? In 12th. अरे बहुत क्यूट है आप, और बड़ा अच्छा किया आपने। हाँ जी, और कौन रह गया? आइए मैडम, आपका डायलॉग थोड़ा इंटेंस है, हॉस्पिटल में है आप, डॉक्टर हैं, आपने कहना कि आपने आने में देर कर दी, उस पर एक्सप्रेशन देने, आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी, आपने आने में देर कर दी, मैं लंच के लिए निकल ही रही थी। अच्छा। मैं लंच के लिए निकल, बराबर किया, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, अच्छा किया। अब ये मजेदार होगा। आपका क्या नाम है ब्रदर? मेरा नाम अमन शर्मा। अमन कहाँ से आए आप? इंदौर। आपका डायलॉग है, माँ मुझे नौकरी मिल गई। आप शुरू करिए। माँ वो नहीं आपकी माँ, इधर। माँ मुझे नौकरी मिल गई, और माँ कहती किस कंबख्त ने दे दी तुझे नौकरी? अब मैं रेडी हूँ। हाँ हाँ चलिए दोबारा। माँ नहीं, नीचे क्या गोबर है जो ऐसे ऐसे जा रहे हो? आराम से जाओ, चल के जाइए आप, खुल के जाइए आप। माँ माँ पहले दरवाजा खटखटाना, माँ दरवाजा खोल के थोड़ी बैठी है, दरवाजा बंद है। हाँ अच्छा, माँ माँ, अरे माँ कह रहा हूँ, आप दरवाजा ठोकी जा रहे हो। दोबारा दोबारा, वन टेक मोर, हो सकता है इंप्रॉम्प्टू भी हो जाए डायलॉग। चलिए, माँ माँ माँ, पिताजी सुनीता के साथ भुट्टा खा रहे हैं। और कुछ बचा है? कुछ नहीं बचा ना। अच्छा थैंक यू जी, आपको हमारे कंटेस्टेंट्स कैसे लगे? बहुत बहुत मजा है, आइए आइए प्लीज। हाँ अरे अरे क्या, क्या जी जी, कहाँ से आए सर जी आप? दिल्ली से। ये स्केच पे हाथ से बनाया आपने, हैंड एम्ब्रॉयडरी से? अरे वाओ, सो ब्यूटीफुल, दिखाइए।
अच्छा पहली बार मैंने एम्ब्रॉयडरी से देखा यार बना, मैंने हमेशा स्केचिंग देखी है, पेंटिंग इट्स एम्ब्रॉयडरी सो ब्यूटीफुल कैन वी सी वाओ 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 मतलब स्केचिंग पेंटिंग मैंने बहुत बार देखी है, एम्ब्रॉयडरी से बनाया है इन्होंने सो ब्यूटीफुल सर जी थैंक यू शुक्रिया आइए प्लीज अच्छा इट वाज दिस पिक्चर थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए और मैं दिस इज एम्ब्रॉयडरी वाओ मुझे अंदाजा नहीं है पर मुझे इतना पता है कि इसको बनाने में बहुत मेहनत गई होगी शुक्रिया शुक्रिया सर जी सो फाइन वाओ ब्यूटीफुल तारीकी बहुत ही सुंदर है थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट थैंक यू मैं रख लूं ये थैंक यू सर जी शुक्रिया शुक्रिया आइए सर से दूर के दोस्त के भतीजे के सांडू का मुंह बोला भाई साइकिल जैक्सन आउच जो तू पहले जो पेंट में जो चीज तुझे परेशान कर रही वो निकाल क्यों नहीं लेता ये तेरा डांस था ये राजू तुझे पता तेरी ये वीडियो बना के ना मैं तुझे दूंगा घर पे बैठ के देखना तब तुझे पता चलेगा हम लोगों पे क्या बीतती है ये देख के यार एक तो तुम आते राजू सब रिवील कर देते मेरा अच्छा जैसे वो तो माइकल जैक्सन समझ के बैठे थे क्या बन गया है तो क्या जरूरत है तुझे ये सब करने की एक सिर्फ ये लो सिर्फ तुम हो जो मुझसे इंप्रेस नहीं होते पता कितनी मुश्किल से मैंने ये करेक्टर तैयार किया आउच हाँ हो भी बड़ी मुश्किल से रहा है मैं देख रहा हूँ तैयार नहीं मुश्किल से किया तूने सुना लीजिए जब माइकल जैक्सन इंडिया आए थे आप रिसीव करने गई थी ना उनको जी। अब ये बन गया है आप चाहें तो FIR भी करा सकती हैं आपको पता मुंबई पुलिस ने एक स्पेशल सेल बनाया है ऐसे लोगों के लिए वो खुद नहीं आते वो लेपर्ड भेजते हैं लेपर्ड फिर ऐसी जगह पे काटता है ना बंदे को फिर आउच ही निकलता है देखो यहाँ पर ना आज मैं हंसी मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं कब आया था तो हंसी मजाक के मूड में यार मैं हंसी मजाक के मूड में नहीं यहाँ पर मैं आया हूँ डांस के मूड में आज तू डांस कर तू लोगों की हंसी निकलेगी तू कर मुझे पता नहीं क्यों लगता है किसी विदेशी ताकत का हाथ है वो फंडिंग करते हैं इसको ताकि हिंदुस्तान को बोर कर सके ये सर मैं आपको बताता हूँ इसके दुखी होकर ना ये मेरा जो सुपर टॉकीज है ना यहाँ पर मैंने अपनी ना डांस अकेडमी खोल ली है तू पहले बालों में कंघी मार के बाल खोल अपने तूने डांस अकेडमी खोली है पहले मैं ये खोल लूं जो मैंने खोला है आप देखिए फ्लायर्स है अरे वाह 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 राजू डांस अकेडमी इसमें हिप हॉप डांस टैप डांस बैले जैज़ सबको एक एक पैम्फलेट मुझे इतने सारे क्यों दिए तुमने क्योंकि डांस तो आपसे होना नहीं तो कम से कम डांस के पैम्फलेट बांधो डांस के एपिसोड में आपका कोई कंट्रीब्यूशन हो वाह मुझसे डांस नहीं होना हाँ जी और ये देख लो रेमो डिसूजा का चूजा उस दिन रेमो सर के सामने इसने दो स्टेप किए वो इसको लेके नारियल पेड़ पे चढ़ गए फिर इसको कहते तुझे उतरना आता कहते नहीं कहते मेरे को तो आता है छह महीने रहा है ये पेड़ पे सर आप ना मेरी एकेडमी के साथ ना कोलैबोरेट कीजिए सर आपको एक वीडियो बनाना है उसमें बोलना है कि इस बार IBD का जो विनर होगा ना वो इस डांस एकेडमी का होगा या फिर आप ये भी कह सकते हैं वीडियो बना के कोई आदमी आर्टिस्ट के भेस में आया और आपको परेशान कर रहा है आप मुंबई पुलिस को टैग कर सकते हैं आप सर ही इज जेलस ऑफ मी क्योंकि कॉलेज में ना सबसे बेस्ट हॉपिंग पॉपिंग का काम मेरा था हॉपिंग पॉपिंग पॉपिंग या पॉपिंग एक बार इसने ऐसी लॉकिंग की खुले ही ना बाद में और फिर वो नकली ताले खोलने वाले नहीं होते जामे उनको बुलाया कॉलेज में इसने डांस किया तो हमारे प्रिंसिपल का कुत्ता बड़ा बुजुर्ग बेचारा 3 साल से एक ही जगह बैठा था इसने डांस किया उसमें पता नहीं उसने इसकी छाती पे उछल के पंजा मारा उसके बाद उसने प्रिंसिपल को काटा है कि मुझे क्यों बांध रखा अगर ये खुला घूम रहा है तो ऐसा लॉकिंग पॉपिंग अगर मैं इतना बुरा डांस करता हूँ हाँ तो ये जो शादियों के शो बुक होते हैं वो लोग पागल है मेरे को बुक करते हैं एक बंदा इसको शादी के शो बुक करने आया कहता मैं इतना अच्छा डांस करता हूँ कहते नहीं देखो शादी हमारी मर्जी से नहीं हो रही है तो हम खिलाफ है एक दो लोग खुश हैं हम चाहते हैं कि वो भी नाराज जाएं तो इनको लेके गए वो लॉकिंग पॉपिंग तेरी इन्हीं बातों की वजह से मैंने आज के बाद शो नहीं करना है
सर आप मुझे आईबीडी में रख लो, मैं बताता हूँ, मैं ना होस्ट भी कर लेता हूँ, कॉमेडी भी कर लेता हूँ, मैं डांस भी कर लेता हूँ, और आप भी चाहे इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, मारपीट भी कर सकते हैं, जो आप यार ये तुम्हारे मन की मनगढ़ंत बातें अपने अंदर रखा करो, उनके मन में मत डालो, हो सकता है उनका मूड मुझे रात को डिनर पे ले जाने का हो। एक तो अपने आप बड़ी चीजें सोचता है। You want to? You want What? To? Who, me? Yeah. मेरी तो बात बच्चा के साथ फिक्स हो गई है। उनके अलावा मैं किसी को नहीं देखती। ये आदमी ना कुछ भी सोचता है, इसका क्रिएटिव आप बिलीव नहीं करेंगे। पब्लिक रेस्टरूम नहीं होते जो, हाँ। अंदर जाके लेट गया, वो बंदा आके आया अंदर, कहता तुम लोग रेस्ट कर रहे हो, कहता आपने लिखा हुआ रेस्ट रूम। उसने निकाला, इसने राइवलरी में बाहर एक और पब्लिक रेस्ट रूम खोला, उसने लिखा था 2 रुपए शुल्क, इसने लिखा 2 रुपए में अनलिमिटेड। तो ये इसका क्या करूं मैं? कुछ नहीं कर सकते तुम, क्योंकि दोस्त के शो में इतना नुकसान तो है काम करने का, ये लेता मेरे को हल्के में। अच्छा, शुक्र करता हूं मैं हल्के में ले रहा हूं, बचपन में इसे कोई गोद में नहीं लेता था, पता है। ये आया तो पालने का आविष्कार हुआ, डॉक्टर कहता है ऐसी चीजें 24 घंटे नहीं आप रख सकते हाथ में। और आपको पता है वो बच्चों को आते हैं ना मालिश करने वाले, तो इनके घर पे आए ना तो उन्होंने पूरी बॉडी छोड़ के सिर्फ इसकी जुबान पे तेल लगाया, क्योंकि यही चलती है सबसे ज्यादा। धन्यवाद। आपको पता है पहले डॉक्टर ग्लव्स नहीं पहनते थे पहले? अच्छा, इसकी जब डिलीवरी हुई ना, फिर डॉक्टरों ने एक मीटिंग रखी कि ग्लव्स पहनने शुरू करो, जरूरी नहीं बच्चा हो, हो सकता है बच्चा कुचा भी हो सकता है। देखो पैदा होने के बारे में इसके बता सकता हूँ, लेकिन आज मेरा लोकल बातें करने का मूड नहीं है। हाँ, मैंने खोली है इंटरनेशनल एकेडमी, तो मैंने ना इंटरनेशनल डांस सिखाया। तो तू कैसे सोच सकता है तू लोगों को डांस सिखाएगा, बता मेरे को। मैंने सुबह उठ के शीशा देखा था, तो उसमें मैंने जब देखा ना, तो मुझे लगा कि इस बंदे के पीछे कोई तो बड़ा डांसर छिपा हुआ है। अगर भगवान ने वो चीज छुपाई हुई है, तू क्यों लेके आ रहा है सामने? तू ना भी आता ना, एपिसोड कंप्लीट था, पता है। पर अब तूने कोट पहन लिया था, तो हमें करना था। गीता मैम, इसका एक ही सोल्यूशन है। आपने करियर का जो भी कोई स्टेप किए हैं, मुझे एक स्टेप सिखाइए, मैंने एक मिनट में करके ना इसका मुंह बंद करना है। आज मैंने अपना करियर खराब थोड़ी ना करना है। पर मैं सीख लूंगा, बिलीव मी। टेरेंस सर, कोलैब। सॉरी। और अगर तू मेरा मुंह बंद नहीं कर पाया, हाँ, तो मैं तेरा मुंह तो नहीं बंद करूंगा फिर। मैं किसी कमरे में बंद करूंगा। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आई आई मैम, हमारे एक बहुत प्यारे दोस्त का बर्थडे है और हम उसे विश करना चाहते हैं, तो हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आया है हमारे प्यारे दोस्त के लिए। थोड़ा खा लो। थैंक यू ब्रो। आप जियो हजारों साल, लोगों को इसी तरह हंसाते रहिए। शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर एंटरटेनिंग अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। गीता मैम, सोनाली मैम, टेरेंस सर, जय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। बहुत मजा आया और ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं इंडियाज़ बेस्ट डांसर सीजन 3 के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर शनिवार रविवार हमसे मिलने आते रहिए।